अभी से हिम्मत हार गई हो बेटा? अरे अपनी बेटी को देखो, तुमसे ज्यादा तो वो बहादुर है। अपना घर बर्बाद करना कोई बहादुरी का काम नहीं है वजाहत साहब, उसे सबर से काम लेना चाहिए था। देखो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, फायदा इस वक्त गुस्से में है। आज की मुलाकात का कुछ तो असर होगा यावर पर। अल्लाह ने इतनी प्यारी सी बेटी दी, इसका शुक्र नहीं अदा करते ये? ऐसा सही कह रही है यावर, क्यों किया तुमने ये सब कुछ? वो औरत न जाने कौन है, कहां से उठकर आई है, किस किरदार की है? अच्छी भले खुशगवार जिंदगी तुम गुजार रहे थे, खुशहाल थे, फिर क्या जरूरत थी तुमको ये सब कुछ करने की? नहीं, वो एक अच्छी औरत है, पढ़ी लिखी है और फिर जॉब भी करती है। पढ़ी लिखी तो फायजा भी है। अम्मी मैं फिर यही कह रहा हूँ, फायजा है, आराम से रह सकती है, उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं एक शर्त पे इस घर में रहूंगी, ये अभी और इसी वक्त उसे तलाक दे। तलाक तो मैं नहीं दे सकता। वो मां बनने वाली है। आप सब्र से काम लें, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसे ही हो, बेटियां अपने ससुराल में बसी रहती हैं तो माँ बाप को सुकून मिलता है। आप लोगों को क्या लगता है, मुझ में सब्र नहीं है? मैं अपना घर पर बात करना चाहती हूँ। यावर अगर किसी औरत से चक्कर चला रहे होते तो मैं बर्दाश्त कर लेती, सबर कर ली थी कि इन्हें अकल आ जाएगी, ये वापस लौट आएंगे। कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, ना सिर्फ शादी की है, दूसरी औरत से उनका बच्चा भी होने वाला है। और मैं उसी तरह से उनकी और उनकी अम्मा की खिदमत करती रहूं, क्या ये इंसाफ है अम्मी? बताएं आप।